ये जो है ना बहुत ही टाइम हो गया था कि जो मेरे जो ये बजीज वगैरह है ना ये अंडे नहीं दे रहे थे। मतलब इनको कोई तकरीबन महीने से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया है इनको लाए हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है ना कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और एक दो एक्सपर्ट से पूछा था जिन्होंने पहले जो है बजीज जो है ना वो रखे हुए थे कि भाई ये मेरे वाले जो बजीज है ना ये क्यों नहीं दे रहे अंडे। तो फिर उन्होंने यही कहा था कि जो ये जो अभी मेरे वाले बजीज है ना ये जो है अभी छोटे हैं, इसमें मैं आप लोगों को पहले एक मिनट ज़रा ही मैं पंखा बंद कर दूं, ये ना ये हाथ से छूट के निकलें उड़ें ऊपर, और तो इसलिए पंखा जो है वो भी मैंने कर दिया है बंद। उसके बाद अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये जो अभी मेरे हैं ना बजीज, इसमें ये अभी जो है ना ब्रीडर नहीं है, ये भी हैं छोटे बच्चे। इसमें जो मेरे पास एक ये वाला है ना, ये मैं गेट खोल के दिखाता हूँ आपको, बस ये बाहर ना निकल जाए कहीं। अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ यार आराम से। तो यार ये ऐसे आराम से नहीं बैठ रहे थे, उड़े जा रहे थे। अच्छा तो इसमें बता देता हूँ कि ये वाला जो है ना ये है मेल, और ये इन चारों में जो सबसे बड़ी जिसकी एज है ना वो है ये वाले की, ये सबसे बड़ा मेल है। और उसके बाद एक और जो मेरे पास मेल है ना इसके साथ बैठा हुआ है पीछे वाइट कलर वाला, ये दोनों जो है मेल हैं और ये दोनों जो फीमेल हैं। लेकिन ये जो है ना अभी चारों तो नहीं, मतलब तीन जो इनमें से हैं, ये दो फीमेल्स और ये वाला जो मेल है, ये तीनों जो है ना अभी छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से जो है वो उनका शायद पेयर भी नहीं बन रहा और इसलिए जो है ना वो अंडे भी नहीं दे रहे। तो तकरीबन अभी मुझे कोई 2 महीने शायद हो सकता है वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक ये सारे ब्रीडर बनेंगे, उसके बाद फिर इनके पेयर बनेंगे आपस में, और फिर ये जो है ना ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे और एग्स लेइंग होगी और फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे। तो अभी जो है ना मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको ये जो मेरे बजीज हैं ये पकड़ के दिखा दूँ कि मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सी होती है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये मुझे काटते नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सी होती है। तो अभी जो है मैं ट्राई करने लगा हूँ इनको पकड़ने की, या पता नहीं बस मुझे काटे नहीं। तो ये देखें, ये मैंने एक मेल को पकड़ लिया है, तो ये अभी मुझे जो है ना काटने की कोशिश कर रहा था। इसको बिल्कुल मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है, इसका जो है चोंच जो है वो मेरी हाथ तक पहुंच नहीं रही, वरना फुल कोशिश कर रहा था मुझे काटने की। तो अब इसकी आप आगे से देख सकते हैं कि जो इसकी ये नाक है, ये नोज़ जो इसकी जो है ना, ई काटना नहीं ये जो है ना ब्लू कलर की है। तो जो हमारे मेल होते हैं ना उनकी ये नोज़ जो आगे से ब्लू होती है, और जो फीमेल्स होती है ना उनकी जो है वाइट होती है। तो इसको भी मैं अंदर छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ के आप लोगों को मैं फीमेल दिखाता हूँ। तो उसको मैंने छोड़ दिया है, अब मैं आप लोगों को ये वाली जो फीमेल है ना वो दिखाता हूँ कि उसकी नोज़ वाइट कलर की होती है। तो ये जो फीमेल है ना ये आप देख सकते हैं, इसकी आगे से जो नोज़ है वो है वाइट कलर की। तो ये इनमें डिफरेंस होता है मेन के, जो मेल होते हैं उनकी नोज़ आगे से ब्लू होती है जैसे पहले आपको मैं दिखाया, और इसकी जो आगे से नोज़ है ये भी वाइट कलर की है। तो यही इनमें मेन डिफरेंस होता है। अभी बेचारी शायद उड़ उड़ के जो है ना इसको मैं पकड़ा तो सांस चढ़ा हुआ, इसको मैं जल्दी से छोड़ देता हूँ ताकि इसको कुछ हो ही ना जाए। तो ये भी जो है ना बड़ी ज़ोर से मुझे काट रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल पीछे से पकड़ा हुआ इसको ताकि इसका मुँह जो है वो मेरे हाथों तक ना पहुँच सके। इसको मैं जल्दी से अंदर छोड़ दे। ओश उड़ गई उड़ गई, शुक्र है ये जो जगह है ना ये बंद की हुई है मैंने, इसको भी बंद कर देता ताकि यहाँ से बाहर ना निकल जाए। और ठीक है यहाँ तो कोई और जगह नहीं है, तो मैं ज़रा पहले उसे पकड़ लूँ कि वो गई पता नहीं किधर है। वो बैठी हुई है, वो सामने देखें ये बैठी हुई है, इसको भी मैं जाके पकड़ता हूँ। ये कपड़ा मैंने ले लिया है हाथ पे, और ये इसके ऊपर ऐसे डाल के ना पकड़ लेंगे ताकि ये काटे भी नहीं। और ओए किधर जा रही हो, सब्र कर जाओ। हो गई, ये आ गई वापस। बेड के नीचे चली गई, अभी ये बैठी हुई है, बेचारी को उड़ उड़ के सांस चढ़ गया। अभी
यार ये बैठी हुई है, उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, पकड़ना तो बस अब पकड़ी जाएगी। पकड़ ली। काट रही थी यार, मैं तरह इसको जल्दी से बंद करके ना फिर दिखाता हूँ। फाइनली ये पकड़ी गई और इसको मैंने छोड़ दिया अंदर। उफ होए। तो यार फाइनली जो है बड़ी ही मुश्किल से जो है उसको मैंने पकड़ के दोबारा कर दिया अंदर बंद। अभी आराम से जो है ना सुकून से ज़रा रेस्ट करेगी, सांस चढ़ गया था इसको उड़ उड़ के। तो शुक्र है जो है ये पंखा मैंने पहले बंद कर दिया था, इसलिए एहतियातन किया था कि अगर ये कहीं हाथ से निकल गई ना, और अगर ये पंखा चल रहा होता ना तो पता नहीं क्या होता, फिर गई थी ये। तो बहरहाल शुक्र है अभी जो है पकड़ी गई है, इसको मैंने दोबारा सुंदर बंद कर दिया। और ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि बजीज जो है मेरे वो एग्स क्यों नहीं अभी दे रहे, क्योंकि वो अभी छोटे हैं तो कुछ टाइम लगेगा उनको बड़े होने में। और मेल और फीमेल की भी जो है डिफरेंस जो होता है उनका, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये अभी जो है मिक्स चावल जा रहे हैं अपने पेट्स को खिलाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। अभी जो है शाम का टाइम है तो इनको मैंने बाहर ही खोल दिया, यहीं पे इनको डाल देता हूँ आराम से, क्योंकि इस टाइम इतनी गर्मी नहीं है ना, तो बेशक यहीं बाहर ही फिरते रहें ये सुकून से। इसको यहीं रख देते हैं, इसके ऊपर भी थोड़े से लगे हुए तो वो भी ये खा लेंगे। फिर के ऐसा करता हूँ कि जो ये बाकी जो चूज़े हैं ना इनको भी जो है ना खोल देता हूँ मैं। आ जाओ जी सारे बाहर, तुम लोग भी आ जाओ, ओए तुम लोग भी आ जाओ। और यहाँ से इन सील को भी खोल देते हैं। चलो जी सारे आ जाओ बाहर, ठीक गुजरी है मेरे ख्याल में इनकी, जरा बारी है हमारे ब्राह्मण की। ठीक है सारे, तो अभी जो है फिलहाल सारे जितने भी चूजे थे बड़े छोटे सारों को मैंने जो है खोल दिया है। यार एक और ये देखें, ये हमारी वो जो मुर्गी है ना अंडों वाली, ये मेरे ख्याल में बीमार हो गई है, तो इसलिए अपने अंडे छोड़ के ये बाहर घूम रही है। अभी मैं इसके जो अंडे हैं ना उनकी कैंडलिंग भी कर लेता हूँ कि उसमें बच्चे हैं भी सही कि कोई नहीं है, तो उसके बाद फिर देखेंगे, अगर बच्चे ना हुए तो इसको फिर हम उठा देंगे अंडों से। जो ये छोटे चूज़े हैं ना, ये वाले हो गए या वो वाले हो गए, इनको जो मैं इनके जो केजीज है ना उसमें अलग से ही देता हूँ, क्योंकि ये असील जो है ना ये उनको मार रहे हैं, तो ऐसा तो फ़ायदा पड़ गया, उन्होंने खा भी नहीं सकता, तो उनकी जो ये चूज़ों वाली फीड है ना ये मैं उनको उनके केजीज में ही डाल देता हूँ। ये इनकी होगी, पानी इनके पास पड़ा हुआ है अभी। और ये यहाँ पे चलो जी वो वाइट जब ओ ये लो काटता है यार, ये वाइट जैपनीज भी जो है ना इसी के अंदर घुसा हुआ है। असल में पहले ये दोनों इकट्ठे रहते थे ना एक ही पिंजरे में थे, तो शायद इसलिए इनको इतना मसला नहीं हो रहा आपस में, वरना तो मारते एक दूसरे को। तो इसको मैं यहाँ पे अलग दे देता हूँ, और इसका पार्टनर पता नहीं किधर गया, वो सामने घूम रहा है, उसको मैं पकड़ के अंदर डाल देता हूँ, वरना इसको भी मार पड़ेगी इनसे आज। अभी जो है मैंने ये देखा है जो ये दोनों मोटू जी ये अंदर घुसे हुए, और वो फिर देखा इनकी वजह से जो है ना वो डर रहे हैं, तुम लोग बाहर निकलो, इतना बड़ा तुम लोगों को पिंजरा दिया हुआ है, फिर तुम लोग दूसरों के उसमें घुस रहे हो, इधर जाओ, चल नहीं चल बेंटम इधर आ।
चलो जी इनको यहाँ बंद करते हैं, इनको मैं यहीं खाने देता हूँ ताकि दूसरों के पिंजरों में जाना जो है ना बंद करें। ये लो तुम्हारा खाना, ये लो यहाँ खाओ। ये जो है छोटा सुजेक्स माशाल्लाह काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अच्छा खासा इसका पार्टनर था इसके साथ और वो मर गया, कम से कम वो ज़िंदा रहता तो इनका पेयर तो रहता। तो इसको छोड़ देते हैं। अब मेरे पास जो है ना तकरीबन जितने मर गए ना उन सारों के अब मेरे पास जो है ना पेयर पेयर रह गए हैं। मेरे पास दो जो है वो ब्राह्मद हैं, दो मेरे पास जो है वाइट जापनीज हैं, उसके अलावा जो हैवी कोचिन होते हैं वो मेरे पास दो रह गए हैं, उसके अलावा मिनी फ्लावर का मेरे पास एक ही है। और यार ये फिर यहीं घुस गए हैं, इनको मैं ज़रा अलग यहाँ बंद करके ना इनके आगे ये देता हूँ ताकि दोबारा बाहर ना निकल सके। तो ये अपने जो ब्राह्मास का केज है ना उसके सामने मैंने ये बंद कर दिया है, क्योंकि ये दोनों जो है बार बार उधर घुस रहे थे और वो फिर डर के जो है ना एक कोने में बैठ जाते हैं। और अभी जो इन सारों को मैंने खोला हुआ है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है पानी भी लगा देता हूँ ताकि मज़ीद ये जो छत है ना ये ठंडी हो जाए, क्योंकि इस टाइम ये देखें पत्ते हिल रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी जो है ना ठंडी हवा चल रही है। तो ये छत को ज़रा गीला कर दें तो उसकी वजह से फिर थोड़ी और ठंडक हो जाएगी, क्योंकि सारा दिन इतनी गर्मी रहती है ना। तकरीबन अब 45 जो है ना 40-45 डिग्री होता है टेम्परेचर। तो ये वाली पूरी छत और जो हमारे केजेस हैं उनको मैंने लगा दिया है पानी, और अब मैं ज़रा इधर अंदर की कर रहा हूँ जो सुबह के टाइम जो है ना बहुत हो जाती है गर्मी। तो ये वाला जो टाइम है ना शाम का ये वाला बेस्ट टाइम है, वो सूरज देखें गरूब हुआ हुआ है बल्कि हो रहा है, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो छत एक दफ़ा होगी ये सारी गीली, और ये हमारा वो वाला वाइट चूज़ा है जो इसको अलग बंद किया हुआ है क्योंकि ये बीमार लग रहा है मुझे इसका, तो मैं रेस्ट नहीं लेना चाहता कि दूसरे जो मेरे असील हैं वो भी बीमार हो जाए। और ये जो मुर्गी है शुक्र है ये वापस आया था वैसे बीमार, और ये वापस आके लेकिन बैठ गई है अंडों पे। तो अभी मेरे पास जो है ना सिर्फ एक मोबाइल है, तो इसलिए कल जो है ना मैं एक और मोबाइल लेके आऊँगा, वीडियो मैं इस वाले से बनाऊँगा और कैंडलिंग हम उस वाले से कर लेंगे ताकि पता चल जाए ना इसके अंदर कोई बच्चे हैं भी सही है भी, ये टाइम वेस्ट करिए ऊपर बैठ के, अगर कोई बच्चे ना हुए तो फिर जो है हम इसको अंडों से उठा देंगे। तो अभी जो है ये सारे छोटे वाले जो हैं ना ये यहाँ बाहर घूम रहे हैं, असील जो हैं वो सारे अंदर चले गए हैं, तो मैं ये दरवाज़ा कर देता हूँ बंद ताकि वो बाहर ना आ सकें, वो फिर आते हैं ना तो फिर इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये हम कर देते हैं बंद और इसके सामने ये रख देते हैं ताकि बाहर ना आ सकें। तो ये छोटे वाले जो हैं ये भी शक यहाँ घूमते रहें, थोड़ी देर ये घूम लें उसके बाद अजानों का टाइम हो जाना तो फिर इनको मैं बंद करके और नीचे चला जाऊँगा। तो शाम का टाइम हो गया है, अजानें हो रही हैं, तो अभी जो है मैं अपने ये चिक्स जो हैं इन सारों को करने लगा हूँ बंद, और फिर कल आके सुबह इनसे मिलेंगे हम। इनको कर दिया है मैंने बंद और अब बारी है हमारी ये वाइट असीलों की, इनको भी कर दिया है बंद। यहाँ पे जाएंगे हमारे ये वाइट जापनीज, और अब बारी है ये मोल्टेड और ये हमारी गोल्डन सब्राइट, इनको भी बंद कर दिया और ये भी बंद हो गए, इनके सामने रख दिया है ये ताकि बाहर ना आ सकें। और ये रही हमारी वाइट बेंटम, ये ऊपर चढ़ी हुई थी, इसको अंदर और किधर गया मोटू चाल इधर आ, चलो जी इन दोनों को भी कर दिया है बंद। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।